सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राधा दुबे, मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी लौकी की लच्छेदार बर्फी। और इस लौकी की बर्फी को बनाने के लिए हम इसमें बिल्कुल मावा का यूज नहीं करेंगे, और फिर भी ये बर्फी हलवाई जैसी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो फ्रेश लौकी, और इस लौकी को मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है। मैंने यहाँ पे 1 किलो लौकी का यूज किया है। अगर आप इस रेसिपी को ज्यादा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा लौकी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस लौकी के छिलके को उतार लेते हैं। लौकी के छिलके को उतारने के लिए सबसे पहले हम लौकी के साइड साइड के पार्ट को कट कर देंगे। अब हम लेंगे एक छिलनी और इस लौकी के सारे छिलके को उतार लेंगे। आप इसके छिलके को चाकू से भी उतार सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से छिलनी का यूज करते हैं तो आप लौकी के छिलके को बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो इस तरीके से छिलनी को यूज करके मैंने सारे लौकी के छिलके को उतार लिया है, और हमारी लौकी बहुत ही ज्यादा फ्रेश और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो लौकी की बर्फी बनाने के लिए लौकी बिल्कुल इसी तरह की ताजा और सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम लौकी के छोटे छोटे पीस काट लेंगे, क्योंकि जो लौकी के अंदर का सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसे हमें इस बर्फी में नहीं यूज करना है। अब हम बिल्कुल इसी तरह से सारे लौकी को काट लेंगे, और इसका जो बीज का हिस्सा है उसे हम चाकू की मदद से अलग कर देंगे, क्योंकि लौकी के बीज के हिस्से में बीज होता है तो इसे हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम सारे लौकी के बीज के हिस्से को काट कर निकाल देंगे। आप इस लौकी के बीज के हिस्से को फेंके ना, आप इसकी सब्जी या दाल बनाकर खा सकते हैं। अब हम इस सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इस लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस बर्फी को बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लच्छेदार बर्फी बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लौकी को कद्दूकस करेंगे। लौकी को कद्दूकस करते समय थोड़ा अपने हाथों का ध्यान रखें और लौकी को सावधानी से कद्दूकस करें। तो हमने यहाँ पे सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो लौकी को इस तरह से भी यूज करके बर्फी को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस लौकी का हल्का सा पानी छानूंगी। लौकी का पानी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक छन्नी, और इस छन्नी पे हम रखेंगे एक कॉटन का कपड़ा, और इस कपड़े पे हम डालेंगे जो हमने सारे लौकी को कद्दूकस किया हुआ है। तो इस तरह से सारे कद्दूकस किए हुए लौकी को मैंने इस कपड़े में डाल दिया है, और सारे तरफ से कपड़े को इकट्ठा करते हुए हम इस लौकी को छान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी लौकी में एक्स्ट्रा पानी है वो इस कपड़े से आसानी से छन रहा है। अगर आप कद्दूकस की हुई लौकी को इस तरीके से कपड़े से छानेंगे तो आपको बर्फी बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आपके गैस की भी बचत होगी। तो लौकी में जो भी एक्स्ट्रा पानी था मैंने उसे छान कर निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लौकी हमारी हल्की सी ड्राई हो चुकी है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। लौकी छानने के बाद जो उसमें पानी निकला हुआ है आप चाहें तो उसे पी सकते हैं, नहीं तो आप उसे सब्जी या दाल में यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, और उस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी, और इस घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम उसमें डालेंगे जो हमने कद्दूकस करके लौकी रखा हुआ है, और इस लौकी को हम अच्छी तरह से इस घी में 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। लौकी को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। लौकी हमारी अच्छी तरह से पक जाए तो इसके लिए हम इस पे लीड लगाकर इसे पकने के लिए 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और लौकी भी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है और आधी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। लौकी को पकने के लिए हमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है, आप मेरी तरह इसमें दूध भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध भी हमारा अच्छी तरह से सूख चुका है, और लौकी भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इस लौकी में डालेंगे 5 से 6 चम्मच चीनी। आप यहाँ पे चीनी अपनी मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी पिघलने के बाद लौकी हल्की सी गीली लगने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करें, क्योंकि ये बर्फी बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इस बर्फी में मावे का यूज नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इस बर्फी में इस स्टेज पर मावा भी डाल सकते हैं। 1 किलो लौकी में आप 1.25 किलो मावा का यूज कर सकते हैं, और अगर आप इस बर्फी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें नारियल के बुरादे का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप इस बर्फी को महीने भर स्टोर करके खा सकते हैं और ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी 100 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद इस बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मावे का यूज ना करके मिल्क पाउडर का यूज किया है। मैंने यहाँ पे 1 किलो दूधी में 200 ग्राम मिल्क पाउडर का यूज किया है। तो आप इस बर्फी को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर।
फूड कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करें, क्योंकि ये बिना फूड कलर के भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा ग्रीन फूड कलर डालने से इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें जो हल्का सा गीलापन लग रहा है उसे हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो इसके लिए अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। घी डालने से क्या होगा कि जो हमारा बर्फी का डो है वो कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी डालने के बाद जो हमारा बर्फी का डो है वो अच्छी तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगा है और बिल्कुल बर्फी जमाने की कंसिस्टेंसी भी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस बर्फी के डो को हम एक प्लेट या थाली में अच्छी तरह से फैला लेंगे। मेरे पास यहाँ पे बर्फी जमाने की ट्रे है, तो उसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच घी और उस घी को मैं अच्छी तरह से इस ट्रे में ग्रीस कर लूंगी। ट्रे में घी लगाने से जो हमारी बर्फी है वो अच्छी तरह से सेट होगी और बर्फी के पीसेस काटने के बाद वो ट्रे से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अब हम इस बर्फी के डो को इस ट्रे में अच्छी तरह से फैला देंगे। तो इस तरह से इस स्पैचुला की मदद से इस बर्फी के डो को हम अच्छी तरह से सारे ट्रे में फैला देंगे। आपके पास इस तरह की ट्रे है तो आप उसमें बर्फी आसानी से जमा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास थाली है तो आप उसमें भी इस बर्फी को बड़ी आसानी से जमा सकते हैं। बर्फी के जो थिकनेस है वो हम बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। मैंने यहाँ पे जो बर्फी की थिकनेस है वो मीडियम साइज़ की रखी है, आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे ट्रे में अच्छी तरह से इस डो को फैला लिया है। अब हम इस बर्फी को ऊपर से सजाएंगे, तो इसके लिए अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ बादाम। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा हुआ काजू। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इस बर्फी के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपको चांदी का वर्क असली मिले तो ही आप उसे लगाएं। तो बर्फी के ऊपर हमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब हम इस बर्फी को सेट होने के लिए फ्रिज के बाहर या फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे 1 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फी परफेक्ट जमकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इस बर्फी को हम पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बर्फी के पीसेस छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे बर्फी के पीसेस को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट जमी है हमारी लौकी की बर्फी। आप इस बर्फी को एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 महीने तक खा सकते हैं और इस बर्फी को आप किसी फंक्शन या त्यौहार में बनाकर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लौकी की बर्फी देखने में जितनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है और इस बर्फी को आप सावन के फास्ट में भी खा सकते हैं। तो आप इस लौकी के बर्फी को इन त्यौहारों पर बनाइए, खाइए, खिलाइए और सारे त्यौहारों को इंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।